बहुत से लोगों की ये कंप्लेन होती है, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि घर में वाईफाई सिग्नल जो है बहुत वीक आता है किसी एरिया में जहाँ पर राउटर लगा होता है, जो दूर वाला रूम होता है जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, या नीचे अगर वाईफाई राउटर आपके घर में लगा है तो फर्स्ट फ्लोर पर या उसके अंडरग्राउंड के ऊपर आपको वाईफाई नेटवर्क नहीं मिलता। बहुत से लोग उसको एक्सटेंड भी करते हैं, मेन राउटर से केबल इंस्टॉल करके दूसरे राउटर पर लगाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम मोस्टली उसमें सॉल्व नहीं होती। उसका एक रीज़न ये होता है कि जो राउटर आप यूज़ कर रहे हैं वो राउटर का वाईफाई एंटीना उतना पावरफुल नहीं है, या बहुत से लोग नहीं चाहते सेकेंड राउटर इंस्टॉल करना, वो चाहते हैं कि एक ही राउटर में उनको अच्छा कवरेज मिले। तो ये वीडियो आपके लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जुबैर शेख आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे नए यूट्यूब चैनल टेक्नो सर्च में। आज हम बात करेंगे टिपिलिंग के 841 HP राउटर के बारे में। ये राउटर हाई पावर राउटर है, इससे आपके जो घर का वाईफाई कवरेज है वो बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप फोटो में देख रहे हो, कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है नॉर्मल राउटर का कवरेज और टिपिलिंग 841 HP का कवरेज। तो इस राउटर के जो फीचर्स है, मोस्टली एक जो मेन फीचर है जिसकी वजह से वाईफाई का कवरेज कम आता है नॉर्मल राउटर में और 841 HP में या हाई पावर राउटर्स में क्यों ज़्यादा वाईफाई का कवरेज मिलता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, देखिए 9 DVI एंटेना, मोस्टली जो घर में हम लोग राउटर यूज़ करते हैं नॉर्मल राउटर उसका एंटेना 3 DVI होता है या मैक्सिमम 5 DVI होता है। तो जितना ज़्यादा आपके वाईफाई नेटवर्क राउटर का एंटेना का DVI जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका वाईफाई का कवरेज होगा। तो इसमें 9 DVI एंटीना है, मतलब आपके नॉर्मली 3 राउटर के बराबर ये वाईफाई के सिग्नल थ्रो कर सकता है। तो चलिए हम इसका डिफरेंस देखते हैं कि ये कैसे डिफर करता है। अब हम इस राउटर का अनबॉक्सिंग देख लेते हैं एक बार। इस राउटर को हमने अनबॉक्स किया, इसमें 4 LAN पोर्ट आपको मिलते हैं, 1 WAN पोर्ट मिलता है, ये पावर बटन है और ये पावर अडेप्टर है। इसका जो पावर अडेप्टर आप देख रहे हैं ये हाई पावर अडेप्टर है, 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का इसका पावर है। नॉर्मली राउटर्स 5 वोल्ट 0.5 एम्पेयर का पावर होता है जिसकी वजह से उन्हें कम पावर मिलता है। इस राउटर को ज़्यादा पावर इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका एंटेना ज़्यादा DPI का है। इस राउटर का ये फ्रंट लुक है, यहाँ पर आपको लैन वैन वाईफाई पावर के सभी के LED इंडिकेटर दिए हुए। इसका लुक जो है एक तरह से स्पेसशिप की तरह इसका एक लुक है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लुक है। और यहाँ पर ये एक एंटेना और ये एक एंटेना के लिए एडिशनल पोर्ट दिया हुआ है। और एंटेनाज भी इसके बहुत ही बढ़िया और बड़े साइज के एंटेनाज है जिसकी वजह से आपको एक अच्छा वाईफाई कवरेज मिलेगा। 2 एंटेनाज इसके साथ आते हैं, आप इस एंटेना के बजाय दूसरे एंटेना भी यूज़ कर सकते हो, एडिशनल आपको कोई एंटेना यूज़ करना है तो यहाँ पर आप इस एंटेना को पहले फिक्स कर सकते हो। और फिक्स करने के बाद आप इस एंटीना के कुछ लॉक्स होते हैं वो लॉक आप उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। इस टाइप के लॉक्स होते हैं, देखिए इस लॉक को आप इस तरीके से लॉक फिट हो जाएगा और ये एंटेना आपका, आप इसको इस एंगल में या इस एंगल में रख सकते हो, एंटेना ज़्यादा मूव नहीं होगा। तो चलिए हम इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका परफॉर्मेंस देखते हैं हमारे लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन पे, कैसे इसको मेजर करेंगे, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र खोला है TP-Link 841 HP को कॉन्फ़िगर करने के लिए। नेटवर्क का हम पहले IP एड्रेस चेक कर लेंगे, ये 192.168.0.100 लैपटॉप का IP एड्रेस है और 0.1 जो गेटवे है वो राउटर का एड्रेस है। तो हम राउटर का एड्रेस यहाँ पे ब्राउज़र में डालेंगे। अभी यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन ये हमें पूछ रहा है, इंग्लिश हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो आप ब्राउज़र से लॉगिन कर सकते हैं, आप अगर आपके पास मोबाइल से आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं QR कोड स्कैन करके। और ये मैंने मोबाइल से QR कोड स्कैन करके इसका ऐप डाउनलोड के लिए लगा दिया है, बट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ब्राउज़र एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। मैं राउटर में लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन होता है। हमने क्रेडेंशियल इंसर्ट कर दिए है और लॉगिन पर क्लिक किया और ये राउटर लॉगिन हो गया। यहाँ आपको जो दिख रहा है फ्रंट पेज वो है स्टेटस, इसमें आप देख सकते हो फर्मवेयर, हार्डवेयर वर्जन, लैन का स्टेटस, वायरलेस का स्टेटस और वैन का स्टेटस। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख रही है कि करंट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर हम ऑपरेशन मोड में आते हैं तो यहाँ पे इसके 3 मोड है। वायरलेस राउटर के ज़रिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस पॉइंट बनाकर यूज़ कर सकते हैं या रिपीटर और ब्रिज बना के यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे कि इसके मोड्स का कैसे यूज़ होता है। क्विक सेटअप में आप चेक कर सकते हो कि भाई क्विक सेटअप आप कैसे कर सकते हो, ये आपको इंस्ट्रक्ट करता है
स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पे वैन सेटिंग में डायनामिक आईपी आप सेलेक्ट कर सकते हो, स्टैटिक सेलेक्ट कर सकते हो, पीपीओई यूज़र नेम और पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, और भी मल्टीपल ऑप्शंस। वायरलेस में अगर हम आते हैं तो वायरलेस में यहाँ पे हमको ऑप्शंस मिलते हैं, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद वायरलेस नेम आप सेट कर सकते हो, चैनल सेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 11 चैनल सेट किया है, और यहाँ नाम मैं चेंज कर देता हूँ SSID का, जो नेटवर्क में शो करेगा टेक्नो सर्च में उसका नाम रख देता हूँ। मैंने सेव पर क्लिक कर दिया, ये कॉन्फ़िगरेशन इसमें सेव हो जाएगी। अब हम वायरलेस सिक्योरिटी में आते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, WPA2 पर्सनल, WPA इंटरप्राइज और वेब, ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलते हैं वाईफाई पासवर्ड इंक्रिप्शन के या वाईफाई को ऑथेंटिकेट करने के। और इस राउटर में एक नया ऑप्शन है जो है गेस्ट नेटवर्क। आप इस राउटर में एक एडिशनल वाईफाई नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो जो गेस्ट का नेटवर्क होगा। आपको गेस्ट नेटवर्क को इनेबल करना है यहाँ पर, और गेस्ट के नेटवर्क का एक सेपरेट नेम आपको दे देना है SSID, और यहाँ पर आप लिमिटेशन दे सकते हो कि कितने गेस्ट आपके गेस्ट नेटवर्क पे कनेक्ट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। सिक्योरिटी में आप ओपन भी रख सकते हो, या आपको अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है तो आप प्रोवाइड कर सकते हो पासवर्ड। शेड्यूल का जो ऑप्शन है कि आपके गेस्ट आपके वाईफाई नेटवर्क को किस वक्त यूज़ कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन डिसेबल है, आप इसे इनेबल कर सकते हो। इनेबल करने के बाद आप आपका खुद का शेड्यूल क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पर शेड्यूल संडे का बनाता हूँ कि मैं एक ही दिन मेरे घर के गेस्ट को इंटरनेट एक्सेस देना चाहता हूँ संडे के दिन, और वो भी सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक। तो यहाँ पर मैं शेड्यूल क्रिएट करता हूँ मॉर्निंग 10 AM to 10 PM। यहाँ से आप स्टार्ट टाइम और एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये शेड्यूल देखिए ऐड हो जाएगा क्लिक करते ही। इसी टाइम सिर्फ आपके गेस्ट ये नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं, ओनली संडे मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 10। DHCP बाय डिफॉल्ट इनेबल रहेगा अगर आप राउटर मोड में काम कर रहे हो तो, ये आपका राउटर मोड में कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप एक्सेस पॉइंट मोड में या ब्रिज मोड में जाते हो तो DHCP आपका डिसेबल करना पड़ेगा आपको, ये रिकमेंडेड। पेरेंटल कंट्रोल का भी ऑप्शन इस राउटर में दिया हुआ है, आप यहाँ पर आपके बच्चों के लिए या आपके छोटे भाई बहन के लिए आप यहाँ पर ऑप्शन सेट कर सकते हो कि कौन से टाइम वो इंटरनेट या वाईफाई यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सेम गेस्ट के नेटवर्क की तरह काम करेगा, आप जैसे अपने गेस्ट के नेटवर्क का शेड्यूल क्रिएट किया था वैसे ही आप और चिल्ड्रन आप एक शेड्यूल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने संडे का शेड्यूल क्रिएट किया है, देखिए एज अ पेरेंटल कंट्रोल। बैंडविथ कंट्रोल में आप बैंडविथ कंट्रोल कर सकते हो, कितनी बैंडविथ जाना चाहिए, कितनी बैंडविथ यूज होना चाहिए, सारे आप यहाँ पर रूल बना सकते हो। यहाँ पर IP रेंज और के अकॉर्डिंग आप रूल बना सकते हो। और सिस्टम टूल्स में एक ऑप्शन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बता देता हूँ। आपने जो भी सेटिंग्स की है आपके राउटर में, उन सेटिंग्स का आप बैकअप ले सकते हो। बैकअप बटन पर क्लिक करके आपकी एक फाइल डाउनलोड हो जाएंगी जिसको आप सेव करके रख सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपके राउटर में कोई सेटिंग्स बिगड़ जाती है या राउटर आपका काम नहीं करता है तो आप उसे रीसेट करके वापस से कॉन्फ़िगर कर सकते हो रिस्टोर बटन पर क्लिक करके। अब उसके बाद एक ऑप्शन है रिबूट का ऑप्शन। अगर आपके राउटर में कोई प्रॉब्लम होता है, परफॉर्मेंस इश्यू है, तो आप उसे सॉफ्ट रिबूट लॉगिन करके सॉफ्ट रिबूट कर सकते हो। जैसे हम मोस्टली हमारे मोबाइल को रिबूट करते हैं वैसे ही आप राउटर को रिबूट कर सकते हो। रिबूट करने से कोई अगर इश्यूज होते हैं नेटवर्क में तो वो सॉल्व हो जाते हैं। अब हम सिग्नल चेक करते हैं कि TP-Link 841 HP हाई पावर राउटर के सिग्नल्स कितने मिलते हैं हमें। मैं इसे मेरे घर का राउटर है उस राउटर के बिल उसी राउटर के बाजू में मैं इसको रख रहा हूँ, और वहाँ से दूर होकर मैं इसके सिग्नल चेक करूँगा। मतलब जिस एरिया में मुझे मेरे घर के राउटर के सिग्नल नहीं मिलते हैं उस एरिया में जाकर मैं सिग्नल चेक करूंगा कि वहां पर कंपैरिजन में घर का जो एग्जिस्टिंग राउटर है उसके सिग्नल कितने आ रहे हैं और जो हमने नया TP-Link 841 HP कॉन्फ़िगर किया है टेक्नो सर्च के नाम से उसके सिग्नल कितने आ रहे हैं। मैं डेस्कटॉप पर भी चेक करूंगा और मोबाइल पर भी चेक करूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ अभी, यहाँ पर आपको फुल सिग्नल दिख रहा है लैपटॉप में टेक्नो सर्च के, और ये मेरा जो घर का एग्जिस्टिंग राउटर है सैटेलाइट जिसका नाम है उसके सिग्नल यहाँ पर मुझे बहुत कम मिलते हैं इस एरिया में। ये कंपैरेटिवली बढ़िया परफॉर्म कर रहा है एग्जिस्टिंग राउटर से और जो भी दूसरे राउटर से उनसे। देखिए मोबाइल पर मैंने एक एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ वाईफाई एनालाइजर ओपन हो चुका है। वाईफाई एनालाइजर में अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी राउटर्स है वाईफाई राउटर्स है इस मोबाइल की रेंज में या जिसके सिग्नल मोबाइल कवर कर पा रहा है, तो उसमें टेक्नो सर्च के सिग्नल सबसे ज़्यादा है
जो आप देख रहे हो -30 यानी के -30 से भी अबव लेवल पर है, मतलब 30% सिग्नल इसके लॉस हो रहे हैं, जबकि दूसरे राउटर्स के सिग्नल -60% और -70% -80% -90% बहुत सारे राउटर्स जो है इनके सिग्नल 10% सिर्फ यहाँ पर आ रहे हैं, और जबकि टेक्नोसर जो टीपीलिंग का हमने कॉन्फिगर किया 841 HP राउटर, हाई पावर राउटर, इसके सिग्नल हमें 70-75% के बीच में मिल रहे हैं, और ये राउटर जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर प्लेस किया हुआ है और मैं फर्स्ट फ्लोर पर बैठकर इसके सिग्नल को चेक कर रहा हूँ और बहुत दूर का डिस्टेंस है, तो ये मतलब परफॉर्म अच्छा कर रहा है एज कम्पेयर टू सिग्नल स्ट्रेंथ का जो इशू होता है, इसके लिए बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन। तो दोस्तों हमारा वीडियो आज का यहीं पर ख़त्म होता है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाईफाई राउटर पसंद आया होगा, इसकी जो फीचर्स है वो भी आपको पसंद आए होंगे। अगर आप ये वाईफाई राउटर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसे अमेज़ॉन से ले सकते हो या आप आपके लोकल मार्केट में इसे चेक कर सकते हो। और इसमें और एक मॉडल अवेलेबल है 941 HP, जिसमें 3 एंटेनाज होते हैं वाईफाई के, वो थोड़ा सा अपग्रेडेड मॉडल है। मैंने दोनों भी मॉडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रॉब्लम और नए सॉल्यूशन के साथ। जाते जाते आपसे हमेशा की तरह एक गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो वाईफाई के सिग्नल को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, और आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताइए।